अल्लाह का वास्ता ने इन्हां जालियां पीरां कोलों बचो, इन्हां जाली तवीज़ां वालियां कोलों बचो, इन्हां जाली चुरलू मुरलू फेरने वालियां कोलों बचो। ऐ अखबारां नहीं पढ़ने आते हो अज उत्थे ने, ते हर बंदे आ पीर भी ना समझा करो, जेड़ा पीरां दे कार जम पवे वह पीर नहीं आता। अगर ये गल हो याकूब के घर सारे पुत्र जमने वाले नबी आवना, यूसुफ एक जमया और एक नबी आया, बाकी यारा नहीं है। और आया तो आहदा अशरा कौकबन तारे तके चन ही है, समझ आई? ते जेड़ा पीरा ने कार जम पवे वह पीर होना नहीं, वो पीर नहीं होना। जमना होर गल है, होना होर गल है। जम्मे अब्दुल मुत्तलिब ने सारे, जिस विच अबू लाब भी है, अबू जाल भी है, अब्बास भी है, हमजा भी है, लेकिन होए कौन हैं? अब्बास ते हमजा, वो पुत्र नहीं है। सिर्फ घर में पैदा होने से आदमी पीर नहीं होता, आलिम के घर में पैदा हर होने वाला आलिम नहीं होता। जिस तरह आलिम नहीं होता इस तरह पीर नहीं होता। जब आलिम होना उसका जरूरी नहीं है तो पीर होना कैसे जरूरी है? कोई औसाफ उसमें होंगे जो हिदायत दे, जो कुछ सिखाए, जो दीन की तबलीग करे, जिसकी तरफ दुनिया मायल हो, जो सुने सुनाए। गौस पाक ने 40 साल दर्श दिया बगदाद के मिंबर पर बैठकर, तो गौस पाक का कोई और भाई नहीं था, छोटा भाई भी था, कभी नाम उसका सुना है आपने? उसका नाम अब्दुल्ला था। कि अगर अब्दुल कादिर का भाई उसके साथ होकर, एक मां के पेट से पैदा होकर अब्दुल कादिर नहीं बन सकता, तो इसी तरह हर पीर के घर, हर मौलवी के घर पैदा होने वाली औलाद पीर न पीर कहला सकती है, ना आलिम कहला सकती है।